दोस्तों कल का मैच में विराट कोहली ने शतक तो जमाया, लेकिन बहुत लोग उनके शतक के बाद ये कह रहे हैं कि विराट कोहली ना एक ना सेल्फिश वाली इनिंग हो गई थी लास्ट में, जब कम बॉले ज्यादा बॉले बची थी, कम रन बचे थे तो जल्दी से जीत सकते थे, नेट रन रेट और ज्यादा बेहतर हो जाता, बहुत लोग कह रहे हैं। लेकिन विराट कोहली के बाद जब केएल राहुल से एक इंटरव्यू में पूछा गया प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कि क्या हुआ, तो केएल राहुल ने बताया कि विराट कोहली तो चाहते थे जल्दी मैच खत्म करना, लेकिन मैंने ही उनको ये सलाह दी कि आप अपनी सेंचुरी पूरी करें क्योंकि हम मैच आराम से जीत सकते हैं। और दोस्तों हम आपको पहले ही बता दें कि अगर 33 ओवर में भारत जीती तब न्यूजीलैंड से नेट रन रेट ऊपर होता, लेकिन वो नहीं हो पाता, पॉसिबल ही नहीं था, तो उसके ज्यादा ओवर हो चुके थे। तो इसीलिए केएल राहुल ने कहा कि मैंने ही उनको कहा था कि आप सिंगल सिंगल लो, और जब कोई ऐसी बॉल आए तब आप चौका छक्के मार सकते हो, आप अपना शतक पूरा कर सकते हो। तो केएल राहुल ने सारी बातें बताई, क्योंकि सब बहुत लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली सेल्फिश है, जैसे कि पाकिस्तान वाले अब कह रहे हैं कि सब बाबर आजम को कहते थे कि अपना लिए खेलता है वो खेलता है, लेकिन उसके बाद अब कह रहे हैं कि विराट कोहली भी तो अपने लिए कल का मैच खेल रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। केएल राहुल ने पूरी बातें बताई कि उन्होंने कहा कि मैंने ही कहा था उनको कि अपने शतक के पीछे आप जा सकते हो क्योंकि हमारे पास अब बहुत है, क्योंकि बहुत चीज अब ऐसी हो रही है ना कि भारत ने कल आराम से सब बांग्लादेश को हरा दिया और लगातार इस वर्ल्ड कप में 4 जीत भी हासिल की है, जिससे कि वो नंबर 2 पे न्यूजीलैंड के बाद है। न्यूजीलैंड भी 4 मैचों में 4 जीत के साथ 8 अंक है उनके भी, और भारत के भी 4 मैच में 4 अंक 4 जीत के साथ 8 अंक है, तो दोनों नंबर 1 और 2 पे है। तो भारत के अभी लेकिन आगे के मैच बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग टीम है उनके साथ साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड उनके साथ मैच है, और भारत के लिए सबसे मुश्किल की बात है हार्दिक पांड्या का इंजर्ड होना। लेकिन रोहित शर्मा ने तो बताया है कि ज्यादा इंजरी नहीं हुई है, थोड़ी बहुत इंजरी है, इससे हम डरने की बात नहीं है, लेकिन एक मैच शायद उनको रेस्ट दिया जा सकता है। लेकिन अभी अगला ही मैच न्यूजीलैंड के साथ है, जो वर्ल्ड कप 2019 में भारत को सेमीफाइनल में हराया था। तो दोस्तों आपको क्या लगता है टॉप 4 इस बार कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल के लिए, सबसे पहले कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें।